दोस्तों, अगर आपने ये 22 औषधीय पौधे अपने गार्डन में लगा लिए तो फिर आपको महंगी दवा खरीदने की शायद आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का आप घरेलू इलाज खुद कर लेंगे। सबसे अच्छी बात है, एक पौधे आसानी से मिल जाते हैं, 10-20-50 रुपए में मिल जाएंगे और हर तरह की मिट्टी में इन्हें आप आसानी से उगा सकते हैं। पहला पौधा जितना ये आध्यात्मिक रूप से लाभकारी है, उससे कहीं ज़्यादा ये औषधि रूप से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कफ, खांसी, जुकाम होने पर तुलसी दल की चाय आपको जहाँ लाभ पहुँचाती है, वहीं अगर आपको चर्म रोग हो रहा है तो उसमें भी तुलसी की पत्तियाँ आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं। किसान बड़े स्तर पर इसकी जो है व्यवसायिक खेती करते हैं तो अपने गार्डन में 2-4 तुलसी के पौधे ज़रूर लगा के रखिएगा। आजकल पानी का स्तर काफ़ी ख़राब हो गया है, लोगों को पथरी संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं या फिर लीवर में समस्या हो रही है, तो उसमें आयुर्वेदिक तौर पे इस पौधे का बड़े स्तर पे प्रयोग किया जाता है। पथरी को ये पौधा बड़ी आसानी से सही कर देता है और बहुत सारे लोग इसका नियमित प्रयोग करते हैं। इसे बोलते हैं पत्थर चट्टा, जो कि पत्तियों से स्वयं ग्रो हो जाता है और 10-5 रुपये में आपको ये नर्सरी पर आसानी से मिल जाएगा। बीमारियों की बात की जाए तो पेट की जो बीमारियां होती हैं वो काफ़ी परेशान करती हैं, गैस बनना, अफारा बनना, और उसमें इसकी चटनी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, ठंडाई भी बनाई जाती है। इसे बोलते हैं पुदीना। पुदीने की गोली तो आपने ज़रूर कभी ना कभी खाई होगी, तो पुदीने के 2-4 पौधे भी अपने गार्डन में लगा के रखिए और इसकी चटनी वगैरह का प्रयोग भी करते रहिए। सामान्यतः है कि यह फलदार पौधा है, लेकिन इसकी कोमल कोमल पत्तियों का प्रयोग आयुर्वेदिक रूप से किया जाता है। आम के आम, गुठलियों के दाम, फल भी खाइए और पत्तियों का प्रयोग, जैसे आपके मुंह में छाले हो रहे हैं उसके लिए। और आजकल तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि डायबिटीज़ में भी इसकी पत्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं और कोई फ़ायदा हुआ है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मुझसे बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि छालों की कोई सही आयुर्वेदिक दवा बताइए, तो जो छाले किसी दवा से सही नहीं हो रहे हों, काफ़ी परेशानी हो रही हो, वो इस पौधे की पत्तियों से सही हो जाते हैं और इस पे बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित फूल भी आते हैं। इसे बोलते हैं चमेली। यह एक लतादार पौधा है, कटिंग से ग्रो हो जाता है, सर्दी और गर्मी के मौसम में फूल देता है। देखिए, स्वास्थ्य खराब होता है कमजोरी की वजह से, विटामिन्स की कमी से। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, हमारे साउथ और गुजरात में भोजन का मुख्य अंग है, इसके बिना वहाँ बहुत सारे भोजन बनाए ही नहीं जा सकते, काफ़ी उपयोगी भी है। ये है करी पत्ता, सांभर में डाला जाता है, दाल में डाला जाता है, नमकीन में भी इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। धनिया की तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें सुखाकर पाउडर के तौर पर भी आप पानी के साथ इसका प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि आजकल बहुत सारी बीमारियां कॉमन हो गई हैं, उनमें से डायबिटीज़ यानी कि शुगर एक भयंकर बीमारी के तौर पे उभरी है, और उसका आयुर्वेदिक उपचार की बात की जाए तो ये पौधा काफ़ी लाभ पहुँचा रहा है। इसकी पत्तियों का प्रयोग लोग सुबह शाम खाने में करते हैं, इसे बोलते हैं इंसुलिन का पौधा। ये आपको फेसबुक पे बहुत सारे सेलर्स बेचते हुए मिल जाएंगे, नर्सरी पर आपको 30 रुपये, 40 रुपये या 100 रुपये तक ये मिल जाएगा। अगर सुपर फूड की बात की जाए तो ये फ्री का सुपर फूड है। इसके अंदर इतने ज़्यादा विटामिन्स और इतने ज़्यादा फाइबर वगैरह होते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के जो गरीब देश हैं वहाँ पर बच्चों को आंगनवाड़ी में कैप्सूल की जगह इसकी पत्तियाँ खाने को दी जाती हैं। यह है मोरिंगा, सहजन या डोमेस्टिक, आप इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। कोविड में जहां सभी दवाइयां फेल हो गई थी, बुखार को सही नहीं कर पा रही थी, प्लेट्स डाउन हो गई थी, उस समय इस पौधे ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। यह है आपका पपीते का पौधा। इसके पत्तियों का रस तो आपने कोविड टाइम में ज़रूर लिया होगा। इसके अलावा पपीते का जो फल होता है वो पेट के रोगियों के लिए रामबाण होता है, तो पपीते के पौधे आप अपने बगीचे में ज़रूर लगा के रखिए। एक पौधा कई साल चल जाता है और 2-3 बार फल भी देता है। आयुर्वेद में अमर फल इसे कहा गया है। इसका फल, पत्ती, जड़, तना सब कुछ काम आता है। आंवला आँखों के रोगों के लिए, बालों के लिए और स्किन के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है।
इसका एक पौधा आप अपने गार्डन में जरूर लगा के रखें, इसकी पत्तियों का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। वैसे तो ये पौधा सामान्यतः मनोरंजन के काम में आता है, लेकिन कुछ चर्म रोग और बवासीर जैसी समस्याओं में भी आयुर्वेदिक दवा के तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। बच्चे हों या बूढ़े इस पौधे को देखकर ही खुश हो जाते हैं। यह है छुई मुई, छूने से मुरझा जाती है, लाजवंती भी बोलते हैं। इस पौधे को छोटे से गमले में आप ग्रो कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ विशेष पौधों की। ये जो पत्तियां आप देख रहे हैं ना, इन पे काली काली जो स्किन आ रही है, ये है ब्लैक टर्मरिक, काली हल्दी। तंत्र मंत्र, पूजा पाठ और कुछ विशेष बीमारियों में जहाँ पर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम काम नहीं करती है, उसमें हल्दी का प्रयोग जो है किया जाता है। तो आप नॉर्मल हल्दी और काली हल्दी दोनों तरह के पौधे अपने गार्डन में लगाकर इसका औषधि प्रयोग भी ले सकते हैं। आप में से ज़्यादातर लोग चाय पीते होंगे, लेकिन अगर आप चाय के नुकसान से बचना चाहते हैं तो इसकी चाय पी सकते हैं। वजन कम करने में कारगर है, पेट की बहुत सारी बीमारियों को यह सही कर देती है। यह है लेमन ग्रास, 20 रुपए की नर्सरी पे मिल जाएगी। एक बार लगा दीजिए, उसके बाद आप पड़ोसियों को भी बांट सकते हैं। इतनी जल्दी ग्रो होती है कि ना तो खाद की ज़रूरत है ना ज़्यादा पानी की। बस धूप में रखिए, टाइम से पानी दीजिए और फिर देखिए कितनी ग्रोथ करती है। देवताओं का वृक्ष बोला जाता है इसे, कहते हैं स्वर्ग में लगा है, और इसकी पत्तियों का प्रयोग फोड़े फुंसियों के उपचार में किया जाता है। बड़े सुंदर फूल आते हैं, इसे बोलते हैं हार श्रृंगार पारजात। इसका एक पौधा अगर आपने गार्डन में लगा लिया ना, तो पूरी रात आपका गार्डन महकेगा, सुगंध देगा, बड़ी प्यारी प्यारी भीनी भीनी सुगंध आती है। ये पौधा भी उन्हीं में से है, अपराजिता। ब्लू अपराजिता का जो फूल होता है, उसका प्रयोग आजकल ग्रीन टी के तौर पे चाय के लिए किया जा रहा है, और इसके बहुत सारे फायदे भी बताए गए हैं। वैसे भी ये पौधा दिखने में सुंदर होता है, तो अपने गार्डन में इसे ज़रूर लगा के रखिए। इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ आ रही हैं, सफ़ेद फूल, हल्का बैंगनी फूल, तो उसे भी ज़रूर ग्रो कीजिएगा। पुराने समय में लोग इसका प्रयोग गर्मियों में करते थे मेहंदी के तौर पे। ये मेहंदी है हमारी देसी ट्रेडिशनल मेहंदी। बालों में प्रॉब्लम हो, बालों के नेचुरल कलर के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी होने पर पैरों पे लगाइए, हाथों पे लगाइए। तो मेहंदी का भी एक पौधा अपने गार्डन में ज़रूर लगा के रखें, उसका प्रयोग भी करें। कान के दर्द की अगर बात आती है, तो जब कोई दवा काम नहीं करती है, तो हमारा देसी जो ज्ञान है वो काम आता है। ये है सुदर्शन का पौधा, और इसकी पत्तियों का प्रयोग कान दर्द में किया जाता है। कोमल पत्ती तोड़नी है, रगड़ना है, रस निकालना है, और जिस कान में दर्द हो रहा है उसमें 2-3 बूंदें डाल लीजिए, आपको आराम मिल जाएगा। ये पौधा बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, हार्डी पौधा है, तो बस कहीं भी लगा दीजिए। कंद से ग्रो हो जाता है, गमले में भी चल जाएगा, और हर समय हरा भरा बना रहता है। इस पौधे के बारे में तो मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप समझ गए होंगे, गले में जितनी खराबी होती हैं उसके लिए पान का पत्ता आप यूज़ कर सकते हैं। पान तो आपने सभी ने ही खाया होगा, तो इसका भी एक पौधा आप अपने घर पर लगा सकते हैं। कटिंग से ग्रो हो जाता है, देखने में बड़ा प्यारा है, और पान के बहुत सारे अन्य आयुर्वेदिक उपचार भी हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। पान देखने में भी प्यारा लगता है, तो आपका गार्डन भी जो है बड़ा ही सुंदर दिखेगा। पुराने समय में कफ और खांसी संबंधी जितनी दवाइयाँ बनाई जाती थीं, वो इसी पौधे से बनाई जाती थी। ये आपको नर्सरी पे ही मिल पाएगा, या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पर उबड़ खावड़ जगह है, पुरानी जगह पर। यह है आपका अड़ूसा, और अड़ूसे की पत्तियों का प्रयोग, अड़ूसे के क्वाथ का प्रयोग, पंचांग का प्रयोग जो है कफ और खांसी के लिए लंबे समय से किया जा रहा है। हड्डी टूटने पर बिना दर्द के अगर हड्डी को कोई सही कर सकता है, तो वो है हठजोड़। और ये हठजोड़ का पौधा है, इसके जो तना है उसके गूदे का प्रयोग हड्डी जोड़ने में किया जाता रहा था, उसे दूध या पानी के साथ लिया जाता है। और सामान्यतः ये पौधा बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, कटिंग से लग जाता है, और दिखने में भी बड़ा प्यारा लगता है। तो एक तो पौधा आप ज़मीन पर या गमले में इसका भी लगा के रखिए, जिससे ये पौधा आगे संरक्षित भी बना रहे। कितना अच्छा हो कि हम बीमार ही ना पड़े। बीमार ना पड़ने के लिए हमें चाहिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है बेहतर हो। तो ये है एलोवेरा, ग्वार पाठा। बाबा रामदेव ने इसे इतना प्रचारित किया है कि अब
इसके बारे में बताने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। कुल मिलाकर इसमें इतने ज़्यादा फायदे हैं कि आप इसके जो गूदा है उसका प्रयोग जरूर करें, जिससे आपका स्वास्थ्य भी हमेशा बढ़िया बना रहे। यह एक सामान्य पौधा है, दिखने में प्यारा लगता है, सुंदर फूल आते हैं और इसकी पत्तियों का और फूलों का प्रयोग जो है आयुर्वेदिक तौर पे किया जाता है और ग्रो होने में ऐसा कोई समस्या नहीं है। देसी सदाबहार है, देसी बिन का है, आप इसे ज़रूर लगा के रखें और इसकी पत्तियों का प्रयोग आप खाने में कर सकते हैं। साथ ही साथ सीड से ग्रो हो जाता है तो आपको बार बार खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।